बचपन में सुनाते थे। हाँ कैसे कैसे बहुत तंग करती थी बचपन में। निर्मला कॉन्वेंट में पढ़ती है राध्या जिसका नाम है। अभी रात के 11 बजेगा इसका टाइम टेबल हम लोग चलते खराब हुआ है। हम लोग लेट से सोते इसे लेट से सोते हैं। तुम तो रूम में 10 बजे घुसते थे फिर भी 11 12 बजे सोती थी। मॉर्निंग गाइस, आज ब्रेकफास्ट में बना है मटर और आलू का सब्जी और पूरी। क्या बोल रहे थे? अच्छा लग रहा, पापा बोला टेस्ट अच्छा हुआ तो मैं जा रही हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट निकालने। ये फ्रेश हो चुके, फ्रेश होके आ चुके हैं तो ब्रेकफास्ट निकालने के बाद करती हूँ आपको। गोल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। बहुत गीला था ना अभी और इसको टाइट करते हैं। उनका हड़बड़ी है बस मैं इसीलिए। वो मतलब उनमें क्या है, खुद में लेट हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, आप लेट करेंगे तो बस हो गया। अभी गर्मी का टाइम आ गया है और गर्मी का टाइम है नॉन स्टॉप मेरे घर पे कभी मैंगो शेक बनता है, कभी कोई सारा फ्रूट्स मिला के उसका जूस निकलता है, या फिर आज जैसे मैं बेल का बना रही हूँ, कभी पुदीना का, कभी नींबू पानी, मतलब चाहिए रेगुलर कुछ ना कुछ। तो आज बेल था तो मेरे पति देव जी बोले कि एक काम करो, बेल है, बेल का शरबत बना के ले के आओ। तो मैं यहाँ पर देखिए बेल का शरबत बना रही हूँ और पहले का थोड़ा सा मैं खा के थोड़ा सा फोड़ के, मैंने हाफ खाई थी हाफ रख दी थी फ्रिज में, बोली थी कि बाद में खाएंगे, तो मैं वो भी देखिए कम पड़ गया था तो मैं बना दी। और वह मैं कुछ कुछ बात कर रही थी देवरानी से। और बेल का शरबत बनाने में कोई मेहनत नहीं है, बस उसको निकाल लो, निकाल के अच्छे से मैश करके, जो चीनी खाते हैं उनके लिए चीनी और नींबू और पुदीना भी अच्छा लगता है, बट मैं ये तो खाते नहीं है पुदीना, इनको पुदीना पसंद ही नहीं है बिल्कुल ही ना। पुदीना वो सिर्फ एक का जूस में पुदीना पी लेते हैं, बाकी ऐसे कोई चीज़ में पुदीना इनको पसंद नहीं है। तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, बस नींबू डालूंगी और थोड़ा मिश्री पाउडर है वो यूज़ करूँगी, बिकॉज आप लोगों को तो पता ही है चीनी तो खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो और ये भी खाते नहीं है चीनी, तो एक नींबू मैं डाल दूँगी निचोड़ के। आज में बहुत जन नींबू नहीं यूज़ करता है,
बेल का शरबत, बट नींबू डालने से टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और गर्मी का टाइम में सिर्फ पीने का मन करता है, सच में कुछ भी ठंडा पीने का मन करता है, खाने से ज़्यादा पीने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और देखिए वो मैं मिश्री का पाउडर मैं रखी हूँ, वही वो करते हुए ख़त्म भी हो गया, थोड़ा सा रह गया मिश्री का पाउडर, उसको बना के रखना पड़ेगा, और तो ज़्यादा मीठा नहीं हुआ, तो इसमें सबके लिए थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। देखिए रेडी हो गया बेल का शरबत, और यहाँ पे मैं 3 ग्लास निकाल ली हूँ, 2 छोटा छोटा और 1 बड़ा ग्लास में, और एक और ग्लास में निकालूँगी, टोटल 4 ग्लास में निकालूँगी। तो माँ तो घर पे नहीं है, रख देंगे निकाल के डाइनिंग टेबल पे, जब आएगी तो वो पी लेगी। और ये देखिए बापू आए हैं, बापू का भी ट्यूशन मेस आने वाली है अभी, और यहाँ पे बदमाशी कर रहा है किचन में आके। क्या चीज़ है? यहाँ पे स्वीट पोटैटो है आपका, और ये मैं यहाँ पे गुड़ मेल्ट कर रही हूँ, और देखिए देवर को वेट कर रहे हैं कि कब बनेगा खाने का। और ये स्वीट पोटैटो मतलब बॉयल करके रखा होता है एक दिन पहले से ही, बट मेरे घर में क्या है, स्वीट पोटैटो ऐसे कोई खाना नहीं चाहता है बिल्कुल भी, ना दूध में ना ऐसे ड्राई कोई नहीं खाएगा उसको, वही गुड़ को मेल्ट करके गुड़ में वो कर दो, कोटेड कर दो, तो पसंद करता सभी कोई। तो मैं वहीं पे ये गुड़ को मेल्ट कर रही हूँ, मेल्ट करके इसमें डाल के कोटेड कर दूँगी, फिर सभी कोई खा लेगा। और इनको मैं देवर चम्मा चाहे पापा कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ हम दो देवरानी जेठानी ऐसे खा लेते हैं सिंपल। तो हम लोग तो कहीं और से आए हैं तो खाना तो है ही, हैबिट तो वैसे ही बना हुआ है ना हम लोग का। देखिए मेल्ट हो चुका है और ये बॉयल है स्वीट पोटैटो, उसको मैं कट कर दी हूँ, अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं उतार दूँगी, उसके बाद जिसको जैसे खाना है वो खाते रहें। गैस में आप ऑफ कर दें, बिकॉज गैस ऑफ नहीं करने से हार्ड हो जाता है गुड़, फिर टेस्ट नहीं लगता। और ये मेन ऐसे बनता नहीं है, मेन ये गुड़ के साथ ही बॉयल होता है, और ये बॉयल पहले से हो गया था तो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए मैं इसको ऐसे रेडी करती हूँ, वेस्ट हो जाता नहीं तो ऐसे कर दें, सभी को खा के ख़त्म कर देगा। अब ये रेडी है, इसको मैं ट्रे में निकाल दूँगी, कढ़ाई तो गर्म रहता है, कढ़ाई में छोड़ने से हार्ड हो सकते हैं, इसलिए मैं निकाल दी कढ़ाई से। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, फ्रिज में होगा थोड़ा ड्राई हो जाएगा। मोबाइल देखो बेटा खूब, हाँ क्या देख रही हो मोबाइल में, ये क्या है? पेरिस लाइफस्टाइल। हाँ पढ़ाई हो गया? हाँ। लर्न हो गया? हाँ। अब मोबाइल बंद करो, रात ध्यान मोबाइल बंद करो, सोने का टाइम हुआ है, जल्दी बंद करो। हाँ अब चलो रखो, अब सोने चलो, खड़े हो लेट हो गया बहुत, सोने जाओ ठीक है। कल पीटी है ना? नहीं कल तो थर्सडे है, कल पीटी नहीं है, कल छुट्टी है, किसी देर देते हैं बच्चा। हम लोग अब बेड पे आ चुके हैं और बाबू नहीं आए हैं, बाबू खेल रहे हैं, तो बाबू आएगा तो बाबू को सबसे पहले मैं सुलाऊंगी, सुलाने के बाद। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मजाक कर रहे थे मेरे से, तो वही मजाक मस्ती हम लोग का चल रहा था। और ये कुछ लगाए हैं फेस पे, तो मैं वही टच कर रही थी तो अपने फेस को बैक कर रहे थे बार बार, तो उसी के बारे में कुछ कुछ बोल रहे थे। और दिन भर हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, ये भी बिज़ी रहते हैं, तो रात में ही हम लोग को एक दूसरे को टाइम मिलता है, तो बहुत बात उत करके फिर बता। देखिए मैम वो फेस हटा दें। तो गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।